सबसे पहली बात, एज ए गेम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? I lost my best friend to 23. She left her body and hovered above me. I saw no shadow. I looked around, searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt a glow. The warmth inside me kept me afloat. Felt like heaven had found my bones and gave me comfort when I feel alone. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. As a 9 strike series, और यह है कैमरे का बॉक्स जो कि मैंने परचेज किया है फ्लिपकार्ट से, और मैं इसको एक महीने पहले यूज़ कर चुका हूँ, और अभी इसका अनबॉक्सिंग वीडियो तो नहीं बट रिव्यू वीडियो है कि कैमरा क्वालिटी कैसे है और कैमरे में क्या क्या खामियां हैं। मेन इसमें फर्स्ट ये दिया हुआ है, इंक्लूड कैमरा दिया हुआ है, बेस माउंट है, फ्रेम माउंट है, स्क्रू है, टू कर्व माउंट, टू फ्लैट माउंट और टू यूएसबी केबल और 22 एडहेसिव स्टिकर हैं जो कि इसमें मेंशन है, ये आप देख सकते हैं सारा सब कुछ लिखा हुआ है। प्लस ये एस ए गेम का लोगो दिया है वाटरप्रूफ, जो कि बताया गया वाटरप्रूफ है। प्लस इस साइड इसका स्पेसिफिकेशन है क्या क्या है, लाइव स्ट्रीमिंग है, वायरलेस चार्जर तो नहीं है इसके अंदर बट वायरलेस चार्जिंग की फैसिलिटी है कैमरे के अंदर, और सुपर स्मूथ जायरो स्टेबलाइजेशन, प्लस 2.33 IPS टच डिस्प्ले और 13 mAh बैटरी, प्लस 10 meter वाटरप्रूफ बॉडी अप टू 10 meter, और सोनी IMAX सेंसर है, 4K 60 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग करता है। ये इसकी मेन मेन ख़ास बातें हैं, और ये एस ए गेम की वेबसाइट पे जाके इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं कि प्रोडक्ट जेन्युइन है या नहीं है। तो ये मैंने चेक किया था एक महीने पहले, तो प्रोडक्ट तो जेन्युइन ही था। और ये बैक साइड इसका ऐप स्टोर एप्पल के लिए और गूगल प्ले स्टोर अपना एंड्रॉयड फ़ोन के लिए, इसको कनेक्ट करने के लिए ऐप है। बाकी इसको देखते हैं इसके अंदर क्या क्या, जो आइटम इसके अंदर हैं वो सारी इसमें दी गई हैं। ये मेन कैमरा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 आपका स्टिकर्स हैं, ये सारी आइटम इसके अंदर हैं। प्लस दो दो आइटम हैं, दो 2x2 कर्व माउंट और 2x2 फ्लैट माउंट, दो माउंट हैं। एक जो मेन प्रॉब्लम है जे माउंट का, जो कि बहुत ज़रूरी है हेलमेट पर माउंट करने के लिए, वो इसके अंदर नहीं इंक्लूड है। तो एक खामी तो सबसे पहले ये है, बाकी खामियां इसको बॉक्स को खोलने के बाद बताते हैं। बॉक्स ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या एक्सेसरीज हैं। If I fall, break my bones, I will scream even louder, 'cause I'm not dying alone. I lost my best friend to 20. सबसे पहली बात, एज ए गेम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो वो तो हर एक आदमी की ज़रूरत पे डिपेंड करता है किसको क्या चाहिए। और मेरे हिसाब से तो वॉइस और वीडियो दोनों ज़रूरी हैं, ऐसा नहीं कि बिना वॉइस के और वीडियो क्वालिटी अच्छी हो तो चलेगा। बट इसमें क्या क्या खामियां हैं, सबसे पहले तो मैं ये दिखाना चाहूँगा। फर्स्ट जो है इसमें जो फ्रेम माउंट है, जिस पे अभी ये माउंट है, अगर मैं चाहूँ फ्रेम माउंट को इधर से, ये जो पोर्शन है यहाँ पे, ये कैप है, तो यहाँ पे जो है चार्जिंग जैक है, अगर मैं इसको निकालना चाहूँ चार्जिंग जैक को, तो ये निकलेगा नहीं।
अगर इस फ्रेम के अंदर है। दूसरा पावर बटन ये रहा, ये माइक है। तीसरा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये हाँ वायरलेस चार्जिंग के लिए है, और ये भी पता नहीं इसके साथ सपोर्ट करता है नहीं करता है, ये भी देखना पड़ेगा। अभी मेरे पास वायरलेस चार्जर नहीं है। दूसरा यहाँ पे शायद माइक है। तीसरा यहाँ पे ब्रांडिंग है SJKM की, जो कि मुझे नहीं लगता ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि ये अभी एक महीना हुआ है इसको यूज़ करते हुए। मुश्किल से ज़्यादा मुझे लग रहा है, अगर घंटे में मैं बात करूँ तो मैंने 10 घंटा या 12 घंटा मैक्सिमम इसको यूज़ किया होगा। और दूसरा यहाँ पे SJKM की यहाँ पे भी ब्रांडिंग थी SJ9 करके स्ट्राइक शायद, जहाँ तक मुझे याद है। और यहाँ पे ये LED लाइट है, अभी ऑन करके भी दिखाऊंगा इसको। सबसे पहले एक बार ये गिरा था मेरे से इस एक ही महीने के अंदर, तो ये क्रैक आया है इस पर यहाँ पे। तो ये 10 मीटर जो वाटरप्रूफ इन्होंने बताया है, तो ये तो अभी पॉसिबल है नहीं, क्योंकि क्रैक्स है तो इसमें पानी जाने का खतरा है। दूसरा इसमें क्या रहा कि इसमें जो मैं इसको अगर यूज़ करता हूँ थोड़ा सा मॉइस्चर वाले टाइम में, तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि इसमें मॉइस्चर जम जा रहा है। एक तो इस पर मॉइस्चर जम जा रहा है, दूसरा मैंने स्क्रीन गार्ड लगाया है, स्क्रीन गार्ड के अंदर मॉइस्चर जम रहा है। और बाकी अगर कैमरे को ऑन करेंगे सिंपल सा प्रेस करके, ये कैमरा ऑन हो गया, ये। और इसमें काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं, ये सेटिंग्स हैं वीडियो सेटिंग, ये टच सेंसिटिविटी भी थोड़ा सी कम सी लगती है मेरे को, बट ठीक है। और ये LED है आगे, अगर मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ इसको यहाँ पे इंडिकेशन देता है रेड कलर का। बाकी मेरा कोई ज़्यादा इसकी जो खामियाँ हैं उसको, मेन मेरा पर्पज़ वीडियो बनाने का ये है कि जो इसकी खामियाँ हैं उनके बारे में है। बाकी तो रिव्यू तो दुनिया भर के यूट्यूब पे ऑलरेडी मिल जाएंगे, कैसा कैमरा कैसा है, सेटिंग क्या है क्या नहीं है। बट जो नेगेटिव पॉइंट हैं इसके, मेरा मेन मकसद उसको बताने का है जो भी बंदा परचेज करता है। अगर मेरे को ये नेगेटिव पॉइंट पहले पता लग गए होते तो शायद मैं इसको ना ख़रीद के GoPro को प्रीफर करता, चाहे मेरे 10-12 हज़ार रुपये ज़्यादा लगते अगर मैं GoPro की सीरीज़ में 8 सीरीज़ का लेता, Hero 8 को, तो शायद मेरे 10-12 हज़ार रुपये ज़्यादा लगते। बट मेरे को एक अच्छा कैमरा मिलता है इससे बेटर, तो ये 10-12 हज़ार रुपये कम देने के बाद अगर ये चीज़ हाथ में है तो घाटा ही है मेरे हिसाब से। तो बाकी हर एक आदमी का अपना अपना सोचना है। बाकी इसको खोलते हैं, जैसे कि मैंने इसको बताया कि ये आप कैप नहीं खोल सकते हैं, बाकी नीचे बैटरी का जो है कैप, बाकी इसमें कहीं से भी खोलने का नहीं है। इसके अंदर अगर आपका कैमरा बंद है तो आप इसको कहीं से भी खोल नहीं सकते, कोई भी ढक्कन खोल नहीं सकते हैं। हाँ, ये एक्स्ट्रा एक चीज़ और है जो कि मैं बताना भूल गया था, ये चीज़ इसमें एक्स्ट्रा है, लेंस कैप। ये ऑलरेडी बताया होगा अदर वीडियो में, तो जिससे लेंस पे स्क्रैच वगैरह ना आए। और बाकी इसको निकालते हैं, और अभी ये निकल गया। दूसरा ये है जो जैसे मैंने बताया उसमें नहीं खुल रहा था, जैसे मैंने बताया इसको ये कैप, ये इसमें सी टाइप USB केबल, इसमें भी अंदर से माइक का है, ये होल जो दिखाई दे रहा है माइक का होल है। और इसको खुला रखना है तो बेटर, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं पर थोड़ा सा अच्छी आवाज़ आती है, आवाज़ भी मैं वीडियो में दिखाऊंगा आपको। बाकी ये माउंट हो गया स्टैंड माउंट, बाकी इधर बैटरी का कंपार्टमेंट है, ये लिखा हुआ 1300 mAh की बैटरी, और SJKM की ब्रांडिंग है। बाकी अंदर भी सीरियल नंबर है अगर देख पा रहे होंगे तो, ये। और बैटरी लगाते हैं, हाँ यहाँ पे microSD कार्ड लगता है ये। और एक प्रॉब्लम और है, microSD कार्ड अगर नॉर्मल जैसे मैंने लगाया है, अगर ये microSD कार्ड लगता है ये वाला, तो ये चलेगा नहीं। ये अगर 10 GB या 5 GB इसने डेटा कैप्चर कर लिया तो उसके बाद ये एरर देने लगता है, और 4K में तो चलता ही नहीं है। अगर 4K में चलाना है तो इसमें एक इन्होंने स्पेसिफाई एक SD कार्ड मेंशन किया हुआ है, जैसे मैं बताता हूँ आपको, ये वाले आपको ये परचेज़ करने पड़ेंगे इसी सीरीज़ में, तो ही ये
4K सपोर्ट करेंगे, अदरवाइज ये 4K में नहीं चलेंगे, ये इंग्लिश में दिया हुआ इन्होंने ये। तो एक प्रॉब्लम ये भी समझो, अगर आपके पास नॉर्मल एस डी कार्ड है तो वो नहीं चलेगा इसमें। दूसरा एक ये हीट करता है कैमरा, अगर आप काफ़ी टाइम तक चलाते हो तो ये बहुत जल्दी हीट होता है कैमरा। बाकी वीडियो क्वालिटी अच्छी है, वीडियो क्वालिटी मैं बताऊंगा आपको। और ये ऐसा सीरीज़ है, माइक मैंने ये बनाया है टेम्प्रेरी, बट इसको लगा के भी कोई ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है इसकी। और कई वीडियो देखे थे मैंने कि जिसमें बता रहे थे कि SD कैम का माइक परचेज करो, और मोटर ब्लॉगिंग के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो मैंने इसको उसमें लगा के देखा है बाइक वगैरह में भी, बट रिस्पॉन्स कोई अच्छा नहीं आया, वॉल्यूम में काफ़ी ज़्यादा एयर नॉइस आ रहा है। बाकी जो बिल्ड क्वालिटी जिसको कहते हैं, बिल्ड क्वालिटी कोई ख़ास नहीं है, मटेरियल कोई अच्छा नहीं है, अगर अच्छा होता तो शायद ये क्रैक नहीं होता। और मुश्किल से दो ढाई फीट से गिरा है कैमरा, और पूरा इधर ये जो डिस्प्ले है इसकी, अगर इसको ऑन करूँ ये डिस्प्ले ऑन होती है, फ्रंट डिस्प्ले भी है इसमें, ये फ्रंट डिस्प्ले शायद सेटिंग से बंद की हुई है, अच्छा ऑफ है फ्रंट डिस्प्ले, ये हो गया ऑन, ये फ्रंट डिस्प्ले, प्रॉब्लम नंबर वन हैंग प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम से मैं एक महीने में 25 से 30 बार रूबरू हो चुका हूँ। और इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए आपको ये जो माउंट लगा हुआ है स्क्रू वो हटाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, बैटरी निकालनी पड़ेगी, बैटरी दोबारा इंसर्ट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं, अन्यथा इसका कोई उपाय नहीं है। चाहे आप ऑन ऑफ करके देख लो एक बार, मैं दिखा देता हूँ, ये ऑफ हो जाएगा, ये दोबारा ऑन हो जाएगा, ये तो कोई फ़ायदा नहीं है। एक बार कैमरा खोल के ये और बैटरी, ये निकाल के दोबारा प्रेस, और ये फिर से वही इशू, मेमोरी कार्ड की वजह से शायद प्रॉब्लम आ रहा है, मैं दिखा देता हूँ, ओह सॉरी, मेमोरी कार्ड निकाल के दोबारा लगा देता हूँ एक बार, ये मेमोरी कार्ड है नॉर्मल, इसको लगा के और बैटरी लगा के ये दोबारा ऑन करता हूँ, अभी भी ये प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे लगता है मेमोरी कार्ड निकालना ही पड़ेगा, एक बार हटाना ही पड़ेगा इससे, ये हटा दिया मैंने मेमोरी कार्ड, ये लगा दिया ये, और ये रहा, ये मेन प्रॉब्लम है। अब ये पता नहीं कि ये मेमोरी कार्ड की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि मेमोरी कार्ड निकालने के बाद ये चलने लगा, बाकी ऑफ, ये हो गया ऑफ। ये है इसका माइक वाला पोर्शन, और जो कि नहीं खुल रहा है इसको लगाने के बाद, और इसको करेंगे हम लोग थोड़ा सा इसका बड़ा रेती से, प्रॉब्लम नंबर टू
जो इसके साथ फ्रेम माउंट दिया हुआ है, ये इसमें जो होल है, जो ये होल है इस साइड वायरलेस चार्जर के लिए, इस साइड का पोर्शन और ये माइक का पोर्शन सेम था, बट अब मैंने इसको बढ़ा दिया है रीति से। और इसमें क्या हो रहा था कि अगर ये बढ़ा नहीं है तो ये जो कैप है ये कैमरे पे, जिसमें सी टाइप चार्जर, माइक और चार्जर दोनों अटैच होते हैं, तो ये कैप नहीं खुल रहा था अगर विदाउट इसको हटाए हुए। तो अभी क्या क्या कंडीशन है कि हम लोग इसको लगा के इसको अगर माउंट करते हैं भी कहीं, तो अभी होल इतना चौड़ा हो गया कि इसको खोल सकते हैं। तो ये अपना R&D करके मैंने इसको किया है चौड़ा होल को, और ये अब इजिली खुल रहा है।